जेईई मेंस एग्जाम की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अपडेट आ रही है। आज 29 जनवरी को जेईई का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है और ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आज जेईई का पेपर हुआ 29 जनवरी को। कैसा लगा बच्चों को जेई का पेपर? किस तरीके की बच्चों की रिएक्शन रही? तो जो हम लोगों ने आर एजुकेशन की टीम ने सर्वे किया उसमें यही पाया गया कि बच्चों को पेपर जो है वो काफ़ी मॉडरेट लगा। जो पहला शिफ्ट का पेपर था वो 12 बजे ख़त्म हो गया था और फिर जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर रहा वो 6 बजे स्टार्ट हुआ था। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं कि जो जेई मेंस का 2023 शिफ्ट का जो 1 का जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स जो था वो इजीएस्ट सब्जेक्ट था अटेम्प्ट करने के लिए। तो फिजिक्स का जो सेक्शन था वो इजी से मॉडरेट क्वेश्चन से भरा था। हालांकि केमिस्ट्री का जो सेक्शन था उसमें मिक्स था, इजी और मॉडरेट दोनों। बट जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। गाइस जेई की मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि प्रॉपरली जेई में ही बेस्ट है, वो है टॉपर्स एकेडमी डॉट ऐप। ये जेई की सबसे अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है अगर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स आईआईटी का पढ़ना है। यहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से पूरे भारत में सबसे इजी तरीके से टॉपर्स एकेडमी डॉट ऐप में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कवर किया जाता है। तो जो ये क्वेश्चंस है ना जो लोगों को मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगे वो टॉपर्स अकेडमी डॉट ऐप के स्टूडेंट्स को इजी लगे। गाइज ये था जनवरी 29 के शिफ्ट 1 का एनालिसिस। ये एग्जामिनेशन की अगर आप बेस्ट कोचिंग जहाँ पे काफ़ी इजी तरीके से पढ़ाया जाता है नई टेक्नोलॉजी के साथ तो वो है टॉपर्स एकेडमी डॉट ऐप। ये आप लोगों देख रहे हैं टॉपर्स एकेडमी डॉट ऐप है। और आपकी कोई भी क्वेरी रहती है जेई से रिलेटेड तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछें। जेई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे।